हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट है आप लोगों का कंप्यूटर्स। आफ्टर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो आपको कॉपीज़ आप लोगों को मिल चुके हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक हमने सेकंड लेसन तक किया था अपना फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर हमारा थर्ड, वर्किंग विद विंडोज 7। पेज नंबर है आपका 23। लेसन थर्ड है आपका वर्किंग विद विंडोज 7। अब वर्किंग विंडोज 7 आपकी क्या है इसे देखेंगे हम। विंडोज 7 हैज़ बिन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ USA। तो जो विंडोज 7 है वो किसने लॉन्च करी थी, किस तरीके के जो इसकी डिज़ाइन हुआ था वो क्या था आपके माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ किसने USA में, यानी कि आपका अमेरिका में। विंडोज 7 आपके क्या होती है वो देखेंगे हम। विंडोज 7 हैज़ बिन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी है। विंडोज मेक्स द कंप्यूटर ऑपरेशनल, विंडोज इज़ फाउंड ऑन कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क। अब देखिए जो आपके विंडोज़ होती हैं, चाहे आपका XP आपका क्या है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए, रन करने के लिए विंडोज़ होना क्या होता है, कंपलसरी है। विंडोज़ नहीं होंगी तो आपका कंप्यूटर किसी कोई भी वर्क आपका नहीं कर पाएगा। तो विंडोज़ होने उसके लिए क्या है, काम करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, किसी भी तरीके के एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपका विंडोज़ होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। आपके कंप्यूटर, आपके जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेशनल बनाता है, यानी कि आपको क्या कंप्यूटर क्या करता है, विंडोज़ के थ्रू क्या होता है, आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है, चलता है आपका। जो आपकी विंडोज़ होती है वो कहाँ पाई जाती हैं, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, वहाँ पर आपके क्या होती हैं, विंडोज़ आपकी होती हैं। जैसे कि आपका, आप स्कूल में होते हैं, क्लास होती है आपकी, तो आपकी क्लास है, ठीक है, हर फर्स्ट है क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, लेकिन क्लास है आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आपके वहाँ पर आपका प्लेग्राउंड है, आपके टॉयलेट्स हैं, आपके ऑफिसेज हैं, आपके सब कुछ है, आपका स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर टीचर नहीं होगा तो क्या होगा, आप क्या पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो टीचर जिस उसी तरीके से एक कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए होती हैं, विंडोज़ हमें चाहिए हैं। जैसे आपका स्कूल चलाने के लिए क्या है, टीचर्स भी क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स नहीं होंगी तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, सॉरी, बूटिंग कंप्यूटर। अब बूटिंग कंप्यूटर क्या है देखेंगे। व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन, विंडोज इज रीड फ्रॉम इट्स हार्ड डिस्क एंड लोडेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग विंडोज इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। अब देखिए बूटिंग क्या होता है, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो इमीजिएटली आपका एकदम से आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता, उसे थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। तो क्यों लगता है वो टाइम, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो विंडोज़ जो कहाँ पर है आपका हार्ड डिस्क में है, वो क्या करता है, उसको रीड करता है और फिर वो आपके कंप्यूटर मेमोरी जो है आपका, उसमें क्या होता है, लोडिंग होती है, उसकी लोडेड होता है। इसी प्रोसेस को, यानी कि जो लोडिंग ऑफ विंडोज़ है आपके कंप्यूटर्स मेमोरी, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। जैसे कि आप, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके जैसे अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपने कोई चीज़ लर्न करी है, तो वो क्या हो जाती है, आप अपने दिमाग में उसको फिट कर लेते हैं, ठीक है। और जब आपका क्वेश्चन, आपका एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप सबसे पहले ही उसको लिखना स्टार्ट नहीं कर देते, पहले आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है उसको क्या करते हैं, अपनी मेमोरी में अपने क्या करते हैं, उसको लोडिंग करते हैं, उसको देखते हैं क्या हमको लिखना है, और उसके बाद हम अपनी कॉपी में उसे लिखते हैं। तो उसी तरीके से जो बूटिंग प्रोसेस है वो भी यही है, वो क्या करता है, और आपकी जो विंडोज़ हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर की, जो विंडोज़ है उसे क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में लोड करता है, और तभी आप अपना काम करेंगे। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू बूट द कंप्यूटर विद विंडोज़। अब बूटिंग किस तरीके से हो रही है, क्या उसका क्या है प्रोसीजर है, किस तरीके से वो काम करता है, काम करेगा, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। अभी आप इसको बूटिंग प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ेंगे।
कि बूटिंग प्रोसेस क्या है आपका, विंडोज 7 आपकी क्या है. सो थैंक यू क्लास.